मेल एक्सप्रेस में 4 जनरल श्रेणी के कोच लगाने का लक्ष्य। जनरल स्लीपर श्रेणी के कोच बढ़ाए जाएंगे। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे वैष्णव। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि रेल यात्रियों को आरामदेह सफर मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल में जनरल और स्लीपर श्रेणी में विस्तार किया जा रहा है। एक विशेष अभियान के तहत 2500 जनरल कोच का उत्पादन शुरू किया गया है व 10,000 ऐसे ही कोच और बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने यह बात रेल भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा, पिछले साल 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अब 55 और अमृत भारत ट्रेन का निर्माण शुरू हो चुका है। 110 और अमृत भारत ट्रेन के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। 10,000 जनरल व स्लीपर कोचों को अमृत भारत ट्रेनों के अलावा दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों। रेल मंत्री ने कहा, मोदी सरकार रेल सेवा, सुरक्षा, स्वच्छता व बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर काम कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक जोड़े गए हैं। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में भी 800 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। रेल टक्कर रोधी सुरक्षा प्रणाली हकअप चह को भी तेजी से लगाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है और टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। रेलवे देश की जीवन रेखा है और हम इस जीवन रेखा को बनाए रखेंगे। में लगाया जाएगा सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 4 जनरल श्रेणी के कोच लगाने का लक्ष्य है, जबकि अमृत भारत ट्रेनें पूरी तरह से नॉन एसी होंगी। इनमें सिर्फ स्लीपर व जनरल श्रेणी के कोच लगे होंगे। वैष्णव ने बताया कि गर्मी के मौसम में भारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 10,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। विपक्ष रेलवे की छवि खराब करने। वाराणसी डिविजन एनई रेलवे 2D का प्रयास कर रहा। अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में कहा, विपक्ष सोशल मीडिया में पुराने वीडियो डालकर रेलवे की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों के मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम उनके ये प्रयास विफल कर देंगे। मेल एक्सप्रेस में 4 जनरल श्रेणी के कोच लगाने का लक्ष्य। जनरल स्लीपर श्रेणी के कोच बढ़ाए जाएंगे।